हल्द्वानी में मुसलमानों का आक्रमण ज्यादा ही बढ़ गया है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है राहत व्लॉग एक्सपल वन यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, अभी सुबह की बज रही है 8, नाश्ता हो गया है मेरा, तो जल्दी उठने की तैयारी में। हम आजकल जल्दी उठ जाता हूँ मैं हमेशा, सुबह को मॉर्निंग को बहुत जल्दी। और गाइस, यहाँ का व्यूज ये है, यहाँ से नीचे तक दिख रहा है पूरा। तो आज चलूंगा मैं रुद्रप्रयाग कैंटीन में, अगर हो सके तो वहाँ की वीडियो बना सकता हूँ तो वीडियो दिखाऊंगा आपको कैंटीन में क्या भीड़ रहती है। चलेंगे हम स्कूटी से। और गाइस, आपने तो वो वाला सीन सुना होगा जो आजकल चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, हल्द्वानी में मुसलमानों का आक्रमण ज्यादा ही बढ़ गया है। 50% हो गए थे, होने वाले थे मुसलमान, शायद सुनने में ये आया था न्यूज, थोड़ा सा देखती थी मैंने, ज्यादा नहीं देखता मैं न्यूज, सुना होगा 50-50 होने वाली है उधर की जनसंख्या, 50 मुसलमान और 50 हिंदू। सो अभी जो सरकारी जमीन थी, उस सरकारी जमीन पे बना था, आपने देखा होगा मस्जिद बना था और क्या था वो, पता नहीं क्या था, बने थे और सरकार ने आदेश दिया है, जो हमारे पुष्कर सिंघामी जी है मुख्यमंत्री, उन्होंने आदेश दिया है तो उसको तोड़ने की तैयारी में गए थे। और जब तक पत्थरबाजी हुए उधर पुलिस वालों तक, सोच लो हिंदू भाई, हम भी हैं हिंदू भाई, हम भी सोचते हैं कभी मुसलमानों में ऐसा ही होता है जैसे हो रहा है, बट हिंदू थोड़ा संभल के रहना भाई लोग आप सब, ठीक है। सो ज़्यादा नहीं बोलते हुए इस वीडियो में हम बस ऐसे ही कुछ वीडियो बनाता हूँ मैं, और वो सुन लिया था मैंने, ऊपर की न्यूज़ थी तो इसलिए मैंने ऊपर से निकाल दिया। तो आप लोग नहीं देखा होगा तो देख लेना न्यूज़ में, हल्द्वानी केस या हल्द्वानी न्यूज़ देख लेना, अभी तक उधर केस चल रहा है और उधर के DM ने भी आदेश दे दिया है, जो पत्थरबाजी करेगा सीधा ठाई ठाई कर देना उसको, समझ गए गाइस, ठाई ठाई का मतलब है सीधा गोली से उड़ा देना। तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट शेयर जरूर करना गाइस। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम बीच का दिखाएंगे थोड़ा बहुत आपको, सीधा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय। सो गाइस, डेली के कपड़े हैं हमारे, रख लो, तो डेली के कपड़े हमारे ये है, हम इसी में मार्केट जाते रहते हैं क्योंकि हम हैं गरीब लोग, आप लोगों ने हमको सपोर्ट नहीं किया, करोगे जरूर करोगे आप लोग हमको सपोर्ट, दिखाऊं आपको गरीबी की निशानी, एक सेकंड जस्ट, ये है, देख लिया गरीबी की निशानी। सो अभी हम यहाँ से नीचे उतरेंगे, वो सड़क दिख रही थी यहाँ पे, ये सड़क, और वहां से सीधा सा उधर 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 सीधा यहाँ, ये यहाँ पड़ेगा हमारा रुद्रप्रयाग, वहां पड़ेगा हमारा रुद्रप्रयाग, उधर चलेंगे हम कैंटीन में, जस्ट वेट। हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग, देख सकते हो ये रुद्रप्रयाग है, और यहाँ पे गाड़ियां आती जाती रहे, देख सकते हो क्या स्प्लेंडर वाला, क्या धूम मचा रहा है गाइस, हम आए हैं इस पे। तो ये अभी थोड़ा सा छुट्टी का कागज निकाल रहे हैं कैंटीन जाने के लिए, और यहाँ से कैंटीन कम से कम ज्यादा नहीं कितना होगा, 2-3 किलोमीटर, 2-1 किलोमीटर होगा शायद, बस ज्यादा नहीं है। तो अब मिलते हैं आपको कैंटीन के गेट पे, अगर वीडियो बनाने देंगे वो लोग तो वीडियो बनाएंगे, वरना गाइस सॉरी, हम आपके लिए वीडियो नहीं बना सकते, बट रिस्क तो जरूर लेंगे हम। सो गाइस, यहाँ पे हम लगे थे दारू लेने, वहाँ नीचे बहुत भीड़ थी इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, वहाँ इधर तो बहुत महंगी महंगी दारू है, वो रेट दिखाता हूँ मैं उनका, तो सबका रेट एक जैसा, 900-1000 रुपए की दारू, बहुत महंगी, जो ये ब्लैक टोज देख सकते हो कितने की है, ये 1800 रुपए की, सॉरी 1800 नहीं 1008 रुपए की है। तो सिविल में कितने की मिलेगी कमेंट करना गाइस। सो गाइस, अभी मैं घर पहुंच चुका हूं, तो देख सकते हो आप लोग, अभी मैंने हेयर कट कराया था, ये कैसा लग रहा है सच बताना, मैंने हेयर कट कराया था आज, क्योंकि परसों मैं जाऊंगा शादी में, नहीं कल जाऊंगा, कल मेहंदी है,
और उसके बाद परसों बारात हो गई और वहाँ का ब्लॉग दिखाऊंगा मैं आपको। तो वीडियो में बने रहे एंड तक, और वीडियो को एंड तक वॉच करना गाइज, बिल्कुल भी स्किप मत करना है। तो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में, तब तक बनते रहिए हमारी वीडियो में, बने रहिए एंड तक। बाय बाय, टाटा।